ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिटेक्टिव कॉनन के एंडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, जो एंड हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले कि क्या हो सकता है इसका एंडिंग मांगा और एनिमे में, और कब तक होगा इसका एंडिंग। वैसे हमें पता है कि डिटेक्टिव कॉनन 1996 से चल रहा है, मतलब 2024 में इस एनिमे को 28 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस एनिमे का एंडिंग कब और कैसे होगा, तो इसका जवाब आवो साटा ने दिया है, जो एक एक्सपर्ट है जापानीज एनिमेशन और मांगा के। उन्होंने जब इस एनिमे को एनालाइज किया, इसके स्टोरी का प्रोग्रेशन को देखते हुए और टाइमलाइन को स्टडी करते हुए, उनका कहना है कि यह एनिमे या फिर कह सकते हैं कि मांगा 2 डेकेड तक चल सकता है। और इसके मांगा क्रिएटर गोशो आयमा से जब पूछा गया कि इंटरव्यू में 2019 में, तो उनका कहना है कि ये मांगा 60-70% कंप्लीट हो चुका है, और इसके पेस को देखते हुए लग रहा है कि ये 6-7 साल के अंदर तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2026 तक। और फिर 2019 में एनिमे न्यूज नेटवर्क के जैकोब चांपा ने कहा है कि ये सीरीज 5 साल में खत्म हो जाएगा। फिर 2024 में जेम बैकेट ने कहा कि अगले 2 या 3 साल के अंदर तक ये खत्म हो जाएगा। फिर 2021 में माइल्स थॉमस ने कहा है कि ये और 1 डेकेड तक चलने वाला है, जब तक आयोमा इंटरेस्टेड है इसे चलाने में। लेकिन क्या डिटेक्टिव कॉनन का कोई एंडिंग है? हाँ है, इस एनिमे का एंडिंग है। गोशो आयमा ने पहले ही सोच के रखा है और रिवील भी किया था कि उनके पास एंडिंग है, और वो जब सही समय आएगा तब अपना ट्रम्प कार्ड निकालेंगे, लेकिन कब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी हम लोग कुछ प्रिडिक्ट करने वाले कि कैसे हो सकता है इसका एंडिंग। पहले तो शायद इसको रिबूट किया जाएगा, शायद। दूसरा, कोनन को एंटीडोट मिल जाता है और वो शिनिची बन जाता है और वो रान के साथ शादी कर लेता है, ये भी एक प्रिडिक्शन हो सकता है एंडिंग का। तीसरा, कोई ना कोई पॉपुलर कैरेक्टर तो मरने वाला है, लेकिन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन हारा जाएगा, ये एक प्रिडिक्शन है। चौथा होने वाला है कि कोनन और आय को कभी एंटीडोट मिलता ही नहीं है, जिसे हमें एक फिलर एपिसोड में देखने को मिला था, आपको याद होगा, जब कोनन और आय बड़े हो जाते हैं, वो एक सपना टाइप फीवर टाइप एपिसोड था। पांचवा होगा, कोनन हथौड़ी किड और आई एक साथ मिलकर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को हरा देते हैं, बाद में वो क्योर ढूंढते हैं एंटीडोट। या फिर छठा हो सकता है कि शायद शिनिची मर जाएगा फ्यूचर में, हीरोइक डेथ की तरह, रान को बचाते हुए या फिर किसी को बचाते हुए। या फिर सातवा, आई मर जाएगी, लेकिन वो मरने से पहले कोनन को एंटीडोट दे के मरेगी, ये शायद हो सकता है। तो यही तक था अच्छा वीडियो गाइस, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।